अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यारखून वैली के बारे में। यारखून वैली किस तरह की होती है? द ब्यूटीफुल वैली ऑफ चित्राल। चित्राल की एक ब्यूटीफुल वैली जिसका नाम यारखून रखा गया है, उसकी वैली के बारे में, हाइट डिटेल्स के बारे में मुकम्मल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि इस वैली में अपर पार्ट ऑफ द वैली कितने होते हैं, इसमें मौसम कितने होते हैं, इसमें टाइमिंग टू ट्रैवल कौन कौन से टाइम में आप ट्रैवल कर सकते हैं, और इसकी एजुकेशन वगैरह के बारे में डिस्कस करूंगा। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको यारखून वैली यानी कि द ब्यूटीफुल वैली ऑफ चित्राल के बारे में मुकम्मल समय लग जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपको अपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इन द एरिया आर 20-25 वाइड कच्चा रोड एट अप टू स्कोर कोच शोल कोच वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1992 एंड 1993। यानी कि जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एरिया बनाए गए थे 20-25 वर्ल्ड कच्चा रोड, वो 1992 से लेकर 1993 तक बनाए गए। द अपर पार्ट ऑफ द वैली कॉल्ड सोयरखून। सोयरखून ऊपर वाली वैल्यू क्या कहलाती है, वैली क्या कहलाती है, सोयरखून। ठीक है, इज स्टिल कम्यूटिंग थ्रू आ डेडली नैरो कच्चा रोड, डजंट इवन डिजर्व टू बी कॉल्ड एज अ जीपेबल रोड। यानी कि उधर कौन सी कार चल सकती है, एज अ जीप रोड भी हम उसे कह सकते हैं, जीपेबल रोड यानी कि जो रोड जिस रोड पर जीप चल सके उस रोड को हम जीपेबल रोड भी कह सकते हैं। द अबव मेंशनड रोड डिड नॉट सी रिपेयर एंड मेंटेनेंस टिल 2011। उसे रिपेयर नहीं किया गया। द अबव मेंशनड रोड यानी कि इसे रिपेयर नहीं किया गया 2011 तक। व्हेन सर्विसेज एंड वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ चित्राल रिमूव्ड द डेब्रिस स्टोर्ड बाय द फ्लड्स एंड लैंडस्लाइडिंग ड्यूरिंग द पास्ट 17 ईयर। जब लैंडस्लाइडिंग और फ्लड्स आते थे 17 साल पहले, बट द ब्रोकन ब्रिज वाज स्टिल नीड रिहैबिलिटेशन। उन्हें दोबारा रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था, रिहैबिलिटेट कर दिया गया था। द जीपेबल ब्रिज एट खुतान के मुकाम पर जो जीपेबल ब्रिज पाई गई है लास्ट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कनेक्ट्स यारखून वैली विद मस्तुज। मस्तुज के साथ यारखून वैली को आपस में मिलाती है, बट ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस की वजह से इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन 2006 में वो डिस्ट्रॉय हो गई थी ड्यू टू पुअर मेंटेनेंस। कटिंग ऑफ द यारखूनिटीज़ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ चित्राल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। यानी कि 3 साल के पीरियड में इसे ड्राई कर दिया गया था। ह्यू आफ्टर अ कंटिन्यूस ह्यू एंड क्राई इट वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड इन 2009 में इसे दोबारा रिकन्स्ट्रक्टेड किया गया था सलाब के मद्देनज़र रखते हुए, बट टोटली डिफेक्टिव बिकॉज द रोटन बीम्स एंड अदर वुड्स ऑफ द ओल्ड ब्रिज वर रीयूज आफ्टर रिड्यूसिंग देयर सरकमफेरेंस। यानी कि उनको एज अ बाउंड्री के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशनड ब्रिज देयर आर ओनली 2 अदर जीपेबल ब्रिजेस इन द वैली, वन एट यूकम एंड दूसरी कौन सी है, जुपू। ठीक है, ये वैलीज उधर पाई जाती हैं, ब्रिजेस पाए जाते हैं उस वैली के अंदर, यारखून वैली के अंदर ये 2 ब्रिजेस पाए जाते हैं, बड़े ब्रिजेस। एज देयर एज विलेजेस लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर यारखून। दोनों साइड पर रिवर यारखून के दोनों साइड पर विलेजेस लोकेट हैं। ऑल्सो द पीपल लिविंग ऑन वन साइड ऑफ द रिवर फेस अ ह्यूज डिफिकल्टी इन विजिटिंग। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यारखून वैली के बारे में कि मेडिकल सेंटर्स भी उधर पाए गए हैं, अटेंडिंग स्कूल रिलेटिव
अदर साइड्स। उसके बाद मैं झारखंड वैली की कुछ पिक्चर्स के बारे में दिखाता हूँ आपको, पिक्चर्स दिखाता हूँ किस तरह की ये वैली है और ये किस तरह की वैली है। इसका ब्यूटीफुल व्यू मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा ये पिक आप देख सकते हैं, ये पिक भी है और ये भी पिक पाई जाती है, ये आप पिक्स देख सकते हैं। ये वाली पिक देखने बहुत ही कुदरती पाकिस्तान में, कुदरती नज़ारे पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से ये जो है हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं इतनी कर पाए। ये देखें ब्यूटीफुल व्यू, आप चेक करें कि ब्यूटीफुल व्यू है यारकॉन वैली का। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। यारकॉन वैली, द ब्यूटीफुल वैली ऑफ चित्राल के बारे में मैंने आज के मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।